हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अ नैरो एस्केप फॉर क्लास 8। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट इट। द ट्रेन चिल्ड इन ऑन टाइम। थियापा गॉट ऑफ एंड लुगिंग हिज सूटकेस ऑन हिज शोल्डर ही टुक। अब यहाँ पर मीनिंग है क्या? Chugged, CHUGGED. Chugged meaning होता है कि the sound of engine. जब इंजन स्टार्ट होता है उसका मतलब क्या होगा कि ऑन टाइम। तो इंजन क्या, ट्रेन का इंजन स्टार्ट हुआ समय पे, स्टार्ट मतलब तो टाइम ट्रेन समय पे चल दी। क्या गॉट ऑफ और समय पे चल दी तो क्या हो गया, समय पे उतर भी गया, तो गॉट ऑफ उतर गया। एंड लुक्ड इज दिस इज लॉगिंग, दिस इज लोग मीन ड्रैगिंग खींचना। अब वो अपना सामान कहाँ पर, अपने कंधे पे खींचे, कंधे पे उठाया। ही टुक, व्हाट टुक, ही टुक भागलडोट टू हिज डेस्टिनेशन। उसका जो डेस्टिनेशन था वो कहाँ था, भागल रोड था। अपने डेस्टिनेशन के लिए वो वहां से चल पड़ा, कहां पर, जहां पर उसे जाना था डेस्टिनेशन। द लैंडस्केप वॉज लवली एंड सर्पेंटाइन, रोड एंड कॉर्नर शॉप सेलिंग राइस, लेंटिल्स, टोमेटोज, पोटैटोज, सॉल्ट एंड एसेंशियल स्टेशनरी। अब क्या कहते हैं क्या कि जो वहां पर पहुंचा वो गया अपने तरफ गए, तो लैंडस्केप वहां का जो एरिया था, दृश्य था, वो क्या था, काफी प्यारा सा था। लेकिन वहां पर क्या था, सर्पेंटाइन था मतलब मुड़ा हुआ ट्विस्टेड था। रोड क्या था, ट्विस्टेड रोड था। एंड कॉर्नर शॉप और बगल में जो कॉर्नर का दुकान था वह क्या था, वह बेच रहा था क्या, राइस, दाल, सब्जी, ये सब बेच रहा था, नमक और बाकी सामान सब बेच रहा था, राइट। हाफ वे डाउन वॉज ए स्मॉल लेन टू द राइट। अब हाफ वे डाउन थोड़ा सा नीचे उतर कर क्या था कि एक राइट में एक क्या था, प्यारा सा एक छोटा सा कॉटेज था, ठीक है। स्मॉल लेन इन द राइट, वहाँ हाफ वे डाउन वॉज ए स्मॉल लेन। अच्छा, आधे नीचे आ गए, एक छोटा सा एक लेन था, एक लेन था। क्या पा टुक अ टर्न एंड देयर स्टूड बिफोर हिम एन एलिगेंट पिक्चरेस्क हाउस, द ओनली वन इन दैट एरिया। अब कहता है क्या, किताबा जब टुक किया, जब उस लेन में जैसे ही घुसा, उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा एलिगेंट होता है, अट्रैक्टिव, एलिगेंट होता है अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव सा पुराने जमाने का, जैसे पुराना हाउस होता है, ओल्ड फैशन हाउस, ऐसा हाउस वह क्या था, हाउस था। अब वो क्या था, ओनली इन दैट एरिया, उस एरिया में अकेला वो हाउस था। इट हैड अ रेड टिन रूफ, उसके ऊपर लाल कलर का रूफ था, टिन का रूफ था। ग्रीन डोर्स थे और विंडोज थे, उसके विंडोज और डोर्स ग्रीन कलर के पेंटेड थे। द रेड वुडन गेट, और लाल कलर का गेट था। अब गेट और डोर दोनों में डिफरेंस बता रहा है, एक डोर कह रहा है, एक गेट कह रहा है। गेट होता है क्या, गेट बाहर का फेंसिंग गेट है, वो उसके बारे में कह रहा है। रेड कलर का गेट था। ही पुश्ड द गेट, उसने गेट को धक्का दिया, एंड इट क्रिक्ड ओपन। क्रिक्ड होता है, एक साउंड होता है जब किसी भी पुरानी चीज को जो बहुत दिनों से बंद पड़ी हो और उसे खोलने का जो आवाज होता है क्रिक्ड होता है। क्रिक्ड ओपन, वह ओपन किया, गेट खुला एक आवाज के साथ, जब एक ऐसी आवाज जो बहुत पुरानी चीजों को और गेट को स्पेशली ओपन करने और क्लोज करने में के बाद निकलता है, ऐसी आवाज कहते हैं क्रैक। तो ही पुश्ड द गेट एंड इट क्रैक्ड ओपन, ओपन किया, क्रकराहट के आवाज के साथ वो ओपन हो गया। ही वॉक्ड इनसाइड, वह उस गेट के अंदर गया इनसाइड। ही शॉटेड आउट फॉर वॉचमैन, वह वॉचमैन के लिए आवाज लगाई। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही कॉल्ड आउट अगेन, कुछ मिनट के बाद उसे फिर से आवाज लगाई। नो वन के, कोई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। टैपा वॉज एन इम्पेशेंट मैन, इम्पेशेंट मतलब होता है जो
बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं रखता, वो जिसके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इम्पेशेंट मैन था। तो क्या हो गया, तैपा एक ऐसा आदमी था जिसके पास पेशेंस नहीं था। ही वेंट अहेड, वो आगे बढ़ा, पुश्ड एंड ओपन द ग्लास डोर एंड वेंट इन। अब वो क्या किया, ग्लास डोर को जो दरवाजा था उसे पुश के धक्का दिया और वो अंदर एंटर कर गया, वेंट इन अंदर चला गया। द हॉल वॉज लॉन्ग, अब क्या था हॉल कैसा था, एक लंबा सा हॉल था। अ मैट मेड ऑफ ड्राइड कोकोनट सेल्स ले ऑन द फ्लोर, अब क्या था कि फ्लोर पे एक मैट रखा हुआ था, किसी का बना था, वो सूखे हुए कोकोनट के सेल का, कोकोनट सेल के सूखे हुए पार्ट से बना हुआ एक मैट रखा हुआ था। कहाँ पर, ड्रॉर पे, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे रखा हुआ था। देयर वेयर सोफा, वहाँ सोफा था, टेबल्स था, एंड इवन मिरर रैक टू हैंग हैट्स एंड अम्ब्रेला। अब वहाँ मिरर रैक था, एक रैक था तो मिरर के साथ, जिसमें मिरर लगा हुआ, जिसमें क्या था, वहाँ पर आप अपने हैट को और अपने अम्ब्रेला को लगा सकते हैं, रख सकते हैं। त्यापा प्लेड विद द स्विचेस एंड द बेडरूम लेटर। अब हमें घर में जब पता नहीं होता क्या है, प्लेड विद द स्विच, अब स्विच के साथ खेला, मींस जब उसे नहीं पता था कि अनोन घर था, उसमें किस कौन से बल्ब के लिए और कौन से फैन के लिए क्या किस पॉइंट के लिए क्या स्विच है पता नहीं था, क्या क्या उसे प्ले किया होता, ट्राई किया, बार बार ट्राई किया अलग अलग हो, फाइनली क्या हुआ कि बेडरूम का लाइट जल उठा। ही टर्न द टैप्स इन द बाथरूम एंड देयर वॉज वाटर, फिर उसे चेक किया, गया बाथरूम में जाके टैप को ओपन किया, वहाँ भी पानी था। एवरीथिंग इन द हाउस सीम टू बी वर्किंग जस्ट फाइन, घर का हर कुछ लगता था जैसे घर में ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फाइन है। जस्ट फाइन, द लोकल वॉज परफेक्ट टू, लोकल मतलब आसपास का जो एरिया था, लोकल एरिया था, प्लेस और लोकेशन लोकेलिटी, वो भी ठीक था। तापा कंक्लूडेड दैट दे कुड लीव हेयर फॉर 6 or 7 months एट ग्रेट एज। अब तापा डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ हम लोग 6-7 महीने आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जगह है, यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह है। ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, वह अगले ही सुबह अपने घर जाने के लिए डिसाइड किया कि सुबह सुबह हम घर के लिए निकल लेंगे। राइट, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है कि कहते हैं बहुत बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना इसे कहते हैं, बहुत हैवी रेन, वेरी हार्ड रेन, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर का फॉल होना, कहते हैं रेन के फॉर्म में, तो इस चीज को कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, अचानक शुरू हो गई, एज इज कॉमन इन एनी हिली एरिया, जैसा ही किसी भी हिली एरिया में ये कॉमन होता है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। द स्काई द माउंटेन्स एंड द वैली वेयर सडनली इनगल्फ्ड बाय द थिक फॉग, एक थिक, एक बड़ी सी मोटी सी चादर फॉग की वहां पर क्या हुआ, भर गया, कहाँ पर, पूरे वैली में सडनली भर गया, पूरे माउंटेन स्काई में भर गया, इनगल्फ्ड, उसको कवर कर लिया, उसको कवर कर लिया, ढक लिया, निगल गया। वन कुड नॉट टेल वेदर इट वॉज स्टिल डे और नाइट, हैड स्विफ्टली फॉलन ओवर द हिल, अब कहते हैं कोई ये नहीं कह सकता है कि अभी यहाँ पर दिन है या रात है, वह यहाँ जो हिल पे अभी दिन है या रात है यह कोई आसानी से नहीं बता सकता था कि ये क्या है, इतना अंधेरा हो गया था। इट वॉज एट दैट टाइम दैट समवन स्टार्टेड पाउंडिंग ऑन द डोर, अब उस समय जब वहाँ तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी, लग रहा था पूरा अंधेरा हो गया, रात हो गया है,
देर रात, अंधेरी रात हो गई है ऐसा लग रहा था। उसी समय गेट पे कोई पॉन्ट में, मतलब होता है कि हेटिंग, लॉर्डली, जोर से हिट करना, ठीक है, किसी भी चीज को हिट करना फोर्स के साथ। तो समवन स्टार्टेड हिटिंग, कहते हैं हार्डली ऑन द डोर। तो वहां पर किसी ने दरवाजे पे जाकर दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, जोर जोर से आवाज करना शुरू किया।